बड़े या इस तरह। इस तरह का प्रशासन कर रहे करीब 12:30 बजे यहाँ की पुलिस जो है आई यहाँ पार्क में और लोग सो रहे थे। उसके बाद जो है वो आए कहे कि आपकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। मैं बोला मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसके बाद भी वो जो है जोर ज़बरदस्ती करते हुए ले गए यहाँ से। फिर जब वो हॉस्पिटल में गए तो मैं पूछा डॉक्टर से कि बिना आपके एडवाइस के मुझे कैसे ले जाया गया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। ठोस ये लोग लगातार जो है सचो साहब शायद SP साहब को फ़ोन कर रहे हों, वो CMO को कर रहे हों, तो यही चल रहा था। एक घंटा तो यही चला है और मैं वहाँ पर बैठा रहा एक घंटा। मेरा कोई ट्रीटमेंट ना तो कोई BP चेक ना तो कोई नॉर्मल जो चेकअप होता है वो भी नहीं हो रहा था। तो उसके बाद और मैं पानी के लिए बोल रहा था कि भाई प्यास लगी है तो एक न्यूनतम पानी मांग रहा हूँ, मैं साफ पानी मांग रहा हूँ। वो पानी की व्यवस्था नहीं कर रहे, वो अपने उसमें लगे हुए थे धड़बुन में। तो ये एक बड़ी बात थी, लेकिन इन सारी बातों से ज़्यादा ऊपर जो बड़ी बात है वो ये है कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता न करते हुए फतेहाबाद प्रशासन को जो है जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने नागरिकों को लेकर के थोड़ी चिंता जता है। उनके लिए जो रिहैबिलिटेशन सेंटर की बात कर रहे थे हम लोग, पुनर्वास केंद्र अनिवार्य और निःशुल्क, ये बड़ी हमारी जो दो शब्द है उसको ध्यान देने वाली बात है। आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? रणनीति तो प्रशासन तय कर रहा, रणनीति वो बना रहा, रात में उठा ले रहा, दिन में बता रहा कि नहीं हम बातचीत करेंगे रात में। रणनीति हम लोग, हम तो साफ साफ यही कह रहे कि ये आंदोलन चल रहा, अनशन चल रहा। अगर वो रिजिडिटी भी नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि हाँ जी हमारा कोई ईगो है अहंकार है इसलिए हम नहीं बैठे अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। हम लोग यहाँ पे इसलिए बैठे कि समाज का जो बच्चा है वो बच जाए, जो माएँ रो रही उनके आंसू जो है पोछ दिए जाए और फिर से वो घर बार बस जाए। तो जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई रही, रात को उठाया गया जबरदस्ती, तो क्या मांग करते जिन अधिकारियों ने इस तरह जबरदस्ती करी आपके साथ? जबरदस्ती रात के 12:30 बजे बिना किसी डॉक्टरी चेकअप के, बिना किसी डॉक्टर के सलाह के आप मुझे ले जा रहे, पुलिस ले जा रही, इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक राइट दिया हुआ है, राइट टू स्लीप। हाँ, कि सोते समय एक व्यक्ति को सोने मेरा 3 घंटा कम से कम, उसकी वजह से मैं जरूर बीमार पड़ जाता। जिस तरह से मुझे ले जाया गया, मानसिक प्रताड़नाएं दी गई, हाँ कि आप जो है चुप रहिए, आप जो है चुप रहिए, हाँ मेरी बात नहीं सुनी जा रही थी। और जिस तरह का लफ्ज जो है सचो साहब इस्तेमाल कर रहे थे, मैं अपराधी नहीं हूँ, एक अपराधी के साथ आप कैसा शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो कम से कम एक सिविलियन के साथ न करें। ये इतने तो ट्रेनिंग होता ही होगा कम से कम, इतनी तो मर्यादा बनाई जाए प्रशासन की तरफ से कि किसी भी नागरिक के साथ, मेरे साथ ही नहीं किसी भी नागरिक के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, ये ठीक नहीं है। अनशन पे बैठे हुए हैं काशी जी जो बनारस से आए हैं, वो अपने लिए नहीं यहाँ पे बैठे, वो देश के जो बच्चे हैं जो नशे में जुड़ रहे हैं उनकी वजह से आज ये अनशन पर बैठे हुए हैं। और शांतमयी ढंग से यहाँ जो है अनशन चल रहा है और पिछले 19 दिनों से सरकार और प्रशासन बिल्कुल बेपरवाह है। कल मेरे आश्वासन से इन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा। मेरी शाम को 5:30-6 बजे CM ऑफिस में मुख्यमंत्री जी के सलाहकार से भी बात हुई है, तो उन्होंने भी कहा कि मैं बात करता हूं और अधिकारियों से भी और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी। तो बड़े आराम से हमारी जब बात चल रही है और यहाँ के जो BJP के जिला अध्यक्ष हैं उनका भी मेरे पास फ़ोन आया, उनसे भी मेरी बात हुई, लगभग सारा तय हो चुका था। तो रात को हम जब मीटिंग कर रहे थे तो मीटिंग करने के बाद रात 11-12 बज गए हमें, तो हमें अच्छा नहीं लगा कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को या किसी
सरकार के नुमाइंदे को फ़ोन करना, तो हमने कहा कि हम सुबह जो ये अनशन है शांतमयी ढंग से हम इसको ख़त्म कर देंगे। पर रात 12:30 बजे जो सिटी SHO है वो आके यहाँ से ज़बरदस्ती अपनी पूरी बटालियन लेके आया और यहाँ से ज़बरदस्ती इनको अस्पताल में ले गया।